सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपके उत्तराखंड इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 9 और अब मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं और मैं आ गया हूं अपने नानी के घर से वापस अपने घर जा रहा हूं अब और दिखाता हूं आपको। बने रहिए मेरे साथ पूरे ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं आ गया था दोरहाट से घर पे और चूँकि मैं पूरे रास्ते में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, मेरा फ़ोन बंद हो गया था। और अभी हम जा रहे हैं जंगल में क्योंकि हमारे वहाँ पे एक पेड़ गिरा है, उसे देखने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमें वो पेड़ हमारे गुरु गोरखनाथ की धुनी के लिए चाहिए, इसलिए हम सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं। अभी तो दिखाता हूँ आपको वहाँ पर जाके सब जंगल में। और जंगल में हमारे वहाँ एक बांस का पेड़ गिरा हुआ है, उसे देखने के लिए जा रहे हैं। ज़रा हम सोच रहे हैं गुरु गोरखनाथ की धुनी में हम जागर लगाने की सोच रहे हैं 4-5 महीने बाद, तो हम सोच रहे हैं उस पेड़ को काट के वो हमारे यूज में आ जाएगा। देख के आते हैं कितना मोटा पेड़ है और सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर और उस पेड़ को यहाँ मंदिर में लेके आएंगे क्योंकि हमारे यूज में आ जाए वो। और जिस जगह पे हम यहाँ पे भी हैं यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है और यहाँ पे जो ओस गिरी है क्योंकि धूप यहाँ आती नहीं है तो पेड़ों की वजह से तो यहाँ पे ये ओस सूखती भी नहीं है। देख सकते हैं कितना ठंडा माहौल होगा यहाँ पे, आप सोच सकते हैं बिल्कुल धूप आती नहीं यहाँ पे। देखिए काफ़ी ठंडक है यहाँ पे, देखिए और पूरा अभी तक धूप नहीं है तो यहाँ पर कितना हरा और का जंगल देख सकते हैं हम। एक महीने में हमारे वहाँ बादल फटा था तो उस वजह से काफ़ी पानी जंगलों से बह के नीचे घरों की तरफ को आया था, उस वजह से पूरे रास्ते ख़राब हो चुके हैं। ये देखिए जंगलों के रास्ते गड्ढे गड्ढे देख सकते हैं हम, कितना खतरनाक भयानक दृश्य हुआ था उस टाइम पर, काफ़ी भयानक हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था काफ़ी यहाँ पर। जो हमारे उत्तराखंड में सबसे फेमस फल होता है कांफल, जो कि चैत के महीने में पकता है और चैत के महीने में होता है देखना। और ये है वो कांफल का पेड़, अभी तो खाली है, अभी कुछ नहीं मिलेगा इसमें। चैत के महीने में पूरे हरे भरे लाल कांफल हुए रहते हैं इनमें। यह पेड़ जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं काफ़ी बड़ा पेड़ है, देख सकते हैं आप बहुत बड़ा पेड़ है ये, इसी को हम लेकिन काफ़ी पुराना हो गया था इसलिए टूट गया। अभी साइड में थोड़ा सा ये रह रहा है, ये भी साइड कुछ टाइम बाद टूट जाएगा और देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ा पेड़ है, आधा से ज़्यादा लोगों ने ये ख़त्म कर दिया है क्योंकि लोग इससे टहनियाँ काट के ले जा चुके हैं ना, तो अब बाकी हम काट के इसको मंदिर में यूज करेंगे। देख के पेड़ को और अभी हम घर पर आ चुके हैं, आने के बाद मैं जा रहा हूँ अभी दुकान में, थोड़ा कुछ काम है दुकान में जाके मिलता हूँ आपसे, दुकान में दिखाता हूँ आपको।
चुका हूँ दुकान पे, जैसे कि आपने पहले भी ब्लॉग में दुकान देखी होगी, और यही है हमारे यहाँ की दुकान है। तो यहाँ पे आया हूँ मैं आटा लेने के लिए, जो कि चक्की में रखा हुआ था, और मैं आटा लेके घर पे जाऊँगा। और यहाँ पे एक चाचा जी खड़े हैं हमारे गांव के, भीम चाचा है इनका नाम, लगे हैं यहाँ पे पिसाई करने में। लाला त्रे मत है पीछे जो पीछे से त्रे मत है और त्रे मत है पीछे जो। तो अभी तक हमारे थैला नहीं पीसा गया है, तो हम ले जाएंगे अभी इसको, इसको लेके ही जाएंगे हम घर पे। अभी मेरा थैला पीसने वाला है, क्योंकि तो मैं लाया हूँ चावल पीसने के लिए, और चावल का आटा ले जाऊँगा मैं। देखता हूँ कितना टाइम लगता है अभी उसे पीसने में। कंप्लीट थोड़ा सा रह गया है, और उसके बाद जाएंगे हम घर को। थैला हो गया तैयार पीस के, इसका वेट करते हैं कितना है ये। 7 किलो 760 ग्राम। मैं जा रहा हूँ घर को, थैला पीस के तैयार हो चुका है, और अब जा रहे हैं घर को। बच्चे भी ले जा रहे हैं थैला पीस के दुकान से आटे का घर को। देख सकते हैं गांव के छोटे छोटे बच्चे भी कितने मेहनती होते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया आपको, तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।